गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने बताया कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है और महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। महिला सशक्तिकरण को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 से कन्या सुमंगल योजना को प्रदेश भर में लागू किया गया है। कन्या सुमंगल योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना, उक्त योजना में लाभ लेने के लिए लाभार्थी के परिवार का उत्तर प्रदेश का निवासी होना तथा इसके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत टेलीफोन का बिल मान्य है। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए हो। जिलाधिकारी ने बताया कि कन्या सुमंगल योजना के तहत बालिका के जन्म होने पर 2000 रुपये, बालिका के 1 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरांत 1000 रुपये, कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश लेने के उपरांत 2000 रुपये, कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश लेने के उपरांत 2000 रुपये, कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश लेने के उपरांत 3000 रुपये तथा ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो उनको 5000 रुपये एकमुश्त प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने बताया, ये मुख्यमंत्री सुमंगल योजना है, एक ये सराहनीय योजना है, खासतौर पर जो लड़कियों का जोर देते हुए बना है। खासतौर पर क्या, जो लड़की जो किसी घर परिवार में पैदा होता है तो एक तरफ बोझ माना जाता है, उसी के हिसाब से तो फिर उनका थोड़ा भेदभाव होता है, तो लड़के के अलग तरीके से पालते हैं जो लड़कियों का अलग तरीके से भेदभाव करते हैं, उसी के दूर करने के लिए सरकार ने एक नया योजना लागू की है। उस पर जो बच्चे पैदा होते हुए वो जो सरकार जो कितने पैसा देती है वो अलग अलग किस्तों में वो बच्चे का अभिभावक का चले जाता है। वैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पर जननी सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसी के 2000 कहीं 2500 3000 जो मिलता है, फिर जो हर बार टीकाकरण का जो इंसेंटिव के रूप से पैसा मिलता है वो पूरा इकट्ठा करके हर किस्त में हम बांधते हुए देते हैं। वैसे जो 18 साल तक का उनका पूरा योजना बना हुआ है, मान लीजिए तो बच्चे पैदा होते हुए उनको 2000 मिलता है, उसके बाद टीकाकरण सारे लगने के बाद फिर 2000 मिलता है, स्कूल जाने के बाद और वो जो उनका वजीफा के नाम से स्कॉलरशिप के नाम से अलग पैसा उनके खाता में देते हैं, उसी टाइप का जो पूरा स्केल बना हुआ है उसी का मॉनिटरिंग हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम में कराते हैं। हर बच्ची का जॉइंट खाता खुला जाता है उनका उनका अभिभावक के नाम से, फिर वो जो पूरा पैसा रहता है एक तरफ 18 साल के बाद वो खाता उन्हीं का स्वलंबित खाता हो जाता है, वो लड़की अपने उसका ऑपरेट कर सकती है, उसी टाइप की योजना।